दोस्तों ईपीएफओ पीएफ में समय समय पर नए नए अपडेट करते रहता है ताकि पीएफ मेंबर्स को सभी पीएफ मेंबर्स को अपने पीएफ को विड्रॉल करने में या फिर अपने पीएफ को चेक करने में या फिर अगर वो अपने पीएफ में कोई भी काम करना चाहते हैं तो करने में उनको आसानी मिले। ऐसे ही दोस्तों ईपीएफओ ने फिर से एक पीएफ में नया अपडेट कर दिया है जो अपडेट आप सभी पीएफ मेंबर्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा यूजफुल है। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आप सभी को बताता हूँ कि क्या वो नया अपडेट है और उससे आप सभी पीएफ मेंबर्स को क्या फायदा मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक करके साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आप यहां पे देख सकते हो मैं पीएफ की वेबसाइट पे आ चुका हूं जहां से आप अपने पीएफ मेंबर पोर्टल खोल सकते हो या फिर आप जो है पीएफ का पासबुक पोर्टल खोल सकते हो। अब दोस्तों ये अपडेट क्या है आप सभी को मैं बता देता हूं। देखिए अगर आपको अपने पीएफ में कोई प्रॉब्लम आती है जैसे कि आपका केवाईसी अप्रूव नहीं होता है, आपका नाम गलत है या फिर आपके पीएफ में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो पीएफ ऑफिस ने पहले आपको एक कस्टमर केयर नंबर दे रखा था। यहाँ पे आप देख सकते हो टोल फ्री नंबर है जिसपे आप कॉल करके पीएफ में कस्टमर केयर से बात कर सकते थे और इसमें आपको एक और फायदा था कि आपको एक व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया था जिसपे कि आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते थे। लेकिन दोस्तों इन दोनों का ही रिस्पॉन्स अच्छा नहीं था। आप जब कस्टमर केयर में कॉल करते थे तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लगता था उनसे कनेक्ट करने में या फिर आप अगर व्हाट्सएप पे मैसेज करते थे तो उसमें आपको अच्छे से बात समझ में नहीं आती थी या फिर कई लोग जो है व्हाट्सएप पे चैट ही नहीं कर पाते थे पीएफ ऑफिस में। तो ऐसे में दोस्तों बहुत सारे पीएफ मेंबर्स को बहुत ज्यादा परेशानी आ रही थी। इस चीज को देखते हुए, इस चीज को सही करने के लिए ईपीएफओ ने एक नया अपडेट कर दिया। आप जैसे कि यहां पे देख सकते हो मैं पीएफ की वेबसाइट पे आया हूं, यहां पे आपको टोल फ्री नंबर मिलता है, ठीक है। तो इस पे दोस्तों आपको अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था, इसके लिए पीएफ ऑफिस ने क्या किया है, इस पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहां पे आपको सभी रीजनल ऑफिस का जो है मोबाइल नंबर कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाता है। आप यहां पे देख सकते हो जितने भी पीएफ ऑफिस हैं, यहां पे जितने भी पीएफ ऑफिस हैं सारे पीएफ ऑफिस का आपको यहां पे कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाता है। अब जैसे आप अपने बैंक में कॉल करके अपने पूरे बैंक की डिटेल ले सकते थे, कस्टमर केयर से बात कर सकते थे, ऐसे ही दोस्तों यहां पे आपका जितना भी पीएफ ऑफिस है, गुड़गांव का है, फरीदाबाद का है, आपका यूपी का, बिहार का, कहीं का भी पीएफ ऑफिस है, उन सबका कॉन्टेक्ट नंबर आपको यहां पे मिल जाता है इस पीडीएफ में। और अब जो है दोस्तों आप सीधे अपने कस्टमर केयर से बात करके, अपने रीजनल ऑफिस में बात करके और अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पा सकते हो। पहले क्या होता था दोस्तों, आप रीजनल ऑफिस में कॉल नहीं लगा पाते थे, आपको सीधे रीजनल ऑफिस जाना पड़ता था। लेकिन दोस्तों अब ऐसा नहीं है, अब आपको यह फायदा मिलेगा कि आप घर पे बैठे अपने रीजनल ऑफिस में कॉल कर सकते हो और अपने कस्टमर केयर से बात करके आपको जो भी पीएफ में समस्या आ रही है उसका समाधान करवा सकते हो या फिर उसके रिगार्डिंग आप बात कर सकते हो। तो दोस्तों ये मेरे को पीएफ की बहुत ही अच्छी अपडेट लगी। वैसे तो पीएफ मेंबर्स को बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है लेकिन ईपीएफओ पीएफ में धीरे धीरे नए नए सुधार कर रहे हैं जिससे कि पीएफ विड्रॉल करना या फिर पीएफ में केवाईसी करना या फिर पीएफ में जो भी चीज करना है वो करने में पीएफ मेंबर्स को आसानी मिल सके। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपके पीएफ में कोई भी समस्या आ रही है तो आप डायरेक्ट कस्टमर केयर से बात करके उसका समाधान पा सकते हो। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आप सभी को ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो, 1% भी आपको सही जानकारी मिली हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा क्योंकि दोस्तों आगे भी मैं आपको ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो देता रहूंगा। चलिए दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।